आज हम मौजूद हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 में, जिसकी थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, यानी कि हम अपने लोकल सामान को प्रमोट करने के लिए पूरे जोर लगा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो स्टॉल हम कवर कर रहे हैं वो है जूट के स्टॉल्स। यहाँ पर बेहद बहुत सारे तरह के जूट के आइटम्स मौजूद है, इयररिंग्स से लेकर नेकलेस तक, यानी कि लड़कियों के लिए तो भरपूर सामान है। इसके साथ ही आपकी सैंडल्स, आपके हैंडबैग्स और इसके साथ ही लैपटॉप बैग्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, इतने सारे स्टॉल्स हैं कि उन्हें कवर करवाना थोड़ा सा ज़रूर मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दुकानदारों से ज़रूर बात करेंगे कि उनके पास किस रेंज के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और इसके साथ ही वो ग्राहकों को किस रेंज में प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। और इसके साथ ही थोड़े से यहाँ पे जो ग्राहक आए हैं उनसे भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे कि ग्राहक हमसे ये बता पाएँ कि वो किस बजट को लेकर यहाँ पे आए हैं और किस उम्मीद से आए हैं कि उन्हें क्या नया देखने को मिल रहा है इस बार। सालों से यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं और अपनी शॉप के बारे में कुछ बताइए। तकरीबन 15 सालों से हम यहाँ शॉप लगा रहे हैं और बैनर जो हमारा होता है नेशनल जूट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत 15 साल से यहाँ रहे हैं। जी सर, तो अगर मैं आपसे यहाँ की सेल या लोगों के परचेज पैटर्न के बारे में बात करूँ तो पिछले साल की जो परचेज रही है वो कोविड के बाद जो एक साल का गैप रहा है उसके बाद कैसी रही है? परचेज पावर कम रही थोड़ी सी। ओके, तो इस बार आपको क्या उम्मीद है कि क्या इस बार वो परचेज पावर बढ़ रही है लोगों? बिल्कुल बढ़ेगी, उम्मीद तो पूरी है। तो आपकी दुकान में किस रेंज के आइटम्स मौजूद है, किससे शुरू हो रहे हैं, लोगों के बजट में है या नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, हमारी जो रेंज है 150 से लेके 450 तक है। ओके, यस। उसमें क्या क्या है? उसमें आपका हैंड बैग है, साइड बैग है, कहते हैं शॉपिंग बैग है, पर्सेज है, ये है, और लैपटॉप बैग है, उनका रेट अलग है। ओके, तो लैपटॉप बैग किस रेंज में है? वो 550 की रेंज। मौजूद है एक स्टॉल में जिसमें कि बेहद ही खूबसूरत हैंडमेड पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो चलिए उसके ओनर से बात करते हैं कि उनके दुकान पे किस रेंज से लेके किस रेंज तक के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आप बताइए आप कितने सालों से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? यहाँ पे मैं आज से नहीं, कम से कम हो गया 15 से 16 साल हो गया आते हुए, और सेल यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा रहा है। अब इस बार लगा है 7 में, हॉल नंबर 7 में। अब देखिए पब्लिक आएगी तो सेल तो होना ही होना है, और 2 से 2.5-3 लाख रुपए तक का सेल हो जाता है। अच्छा, तो लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ, जैसे लास्ट टाइम जो पिछले साल था, पिछले साल से पहले एक साल नहीं लगा था ट्रेड फेयर, तो उसके बाद जब पब्लिक वापस आई तो क्या वो उसी सेम मतलब उसी सेम एक्साइटमेंट के साथ वापस आ पाई, या फिर लोगों ने ज़्यादा खरीदा या फिर कम खरीदा? नहीं, खरीदारी तो अच्छा हुआ है, खरीदारी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, और आपकी दुकान के अगर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो आप ये बताइए कि आपके दुकान की स्पेशलिटी क्या है, मतलब आप कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं या करवाते हैं या कैसे? नहीं, ये डिज़ाइन तो हम खुद करते हैं, ये जितना है सब मैं डिज़ाइन करता हूँ। ओके, तो इसमें सबसे कम रेट और सबसे ज़्यादा रेट की क्या क्या चीज़ें हैं? वो मेरा है सबसे छोटा साइज है 12x18, वो 150 का, प्लस उससे सबसे बड़ा साइज है 4000 का है। ओके, तो आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सेल पिछली बार से बढ़ जाएगी या क्या उम्मीद है, क्या लगता है लोगों के रुझान देख के? अब तो मैम ये एंट्री के ऊपर है, पब्लिक अगर एंट्री आएगी तो सेल तो होना है। तो इस बार की एक्सपेक्टेशन क्या लेके आए हैं आप? इस बार तो मटेरियल बहुत लाए हैं, अब देखिए सेल होगा कि क्या होगा, अब तो ऊपर वाले जानते हैं। बताइए आपकी शॉप पे जो सबसे अच्छे आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे आइटम जो हैं जूट आइटम है टोटल, और ये नोटबुक्स हैं, इसमें फ़ोटो फ्रेम है, एल्बम्स हैं और गिफ्ट एम्बलप्स हैं। शादी विवाह का मौसम चल रहा है तो उसमें ये जो हमारे एम्बलप्स हैं जूट वगैरह के, उसमें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, और हम भी उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। सर, तो क्या डिस्काउंट है लोगों के लिए इस बार? 20% डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। ओके, तो अगर मैं आपसे सेल के लिए पूछूं तो पिछले साल जो सेल रही है इस बार आपको कितनी उम्मीद है, कितनी सेल होने की उम्मीद है? इस बार तो थोड़ा अच्छी सेल होने की उम्मीद है पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि ये हमारा पूरा जो 7 नंबर हॉल में लगा है पूरा जूट फेयर है और जूट के प्रोडक्ट हैं और पसंद कर रहे हैं लोग। तो अभी तक जैसे कि अब तो 19 तारीख से खुल जाएगा लोगों के लिए, तो इस जो पिछली बार जो आपके पास ग्राहक आए थे, इस बार भी क्या पिछली बार से परचेजिंग पावर आपको लगी कि लोगों की बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है अभी इस बार, और अब उम्मीद है कि और आगे भी बढ़ेगी और लोग ये सारा कुछ पसंद करेंगे। तो
आपकी दुकान में सबसे सस्ता आइटम और सबसे महंगा आइटम कितने का है, बस ये बताइए। 60 रुपीज़ की मेरी डायरी है ये, और ये 60 रुपीज़ की है, और जो सबसे महंगी है वो 750 का है। यहाँ पे कितनी तरह के हैंडमेड आइटम्स मौजूद हैं, आपके घर में बिछाने वाले कालीन से लेके आपके पर्स तक, आपके इयररिंग्स तक, हर तरह के सामान जूट से बनाए हैं और वो भी बेहद सुंदर। ये जो स्टॉल है ये मौजूद है हॉल नंबर 7 में, आप हॉल नंबर 7 में आके जूट से बने हुए सारे सामान चेक कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपके बजट के सामान मौजूद है, यानी कि आपका बजट खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो आप अपना अच्छे से बजट बना के आइए और बेहद सुंदर सामानों की लिस्ट लेकर आइए और यहाँ पर आकर खरीदारी कीजिए। और देखते रहिए जागन बिजनेस, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।